हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक यू आर वाचिंग एड ऑनलाइन अ चैनल फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर वन दैट इज रियल नंबर्स रियल नंबर्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में और स्पेशली इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज वन को कंप्लीट हम कवर करेंगे एक्सरसाइज वन को यहाँ पर अभी हमने इसे प्रीवियस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर डिस्कस किया था उसी का यूज हम करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और बहुत ही आसान से कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो आप पहले से ही जानते हैं जस्ट हमें उन्हें यहाँ पर एक प्रॉपर वे में यूज करना है टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम तो केवल हम उन्हें कैसे अरेंज करेंगे और कैसे हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को इस्तेमाल करने के बाद या जो कंसेप्ट हमारे प्रीवियस सीखे हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद तो आइए इसके लिए हमें जाना होगा प्रॉब्लम्स पर तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम पर दैट इज बहुत ही आसान है आप पहले कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यस आप कर चुके हैं तो जैसा हमने किया था पहले वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है थोड़ा सा चेंज करना है उस पर हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे करना क्या हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में इन्हें एक्सप्रेस करना है तो अब यहां पर आता है प्राइम प्राइम क्या होता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होगा द नंबर विच नंबर जिनके पास केवल टू फैक्टर्स होते हैं वन एंड द नंबर इट्स उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं मतलब अगर आसान भाषा में हम बोलें तो ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड होता है या वन से डिवाइड होता है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं तो यहां पर हमें क्या करना है प्राइम फैक्टर्स ये दो जो प्राइम फैक्टर है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है प्राइम एंड फैक्टर्स तो प्राइम क्या होता है वो मैंने आपको बताया फैक्टर्स क्या होते हैं वो जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली exactly डिवाइड कर सकते हैं तो वो उस नंबर के क्या कहलाते हैं फैक्टर जैसे टू फोर को डिवाइड कर सकता है तो टू क्या कहलाएगा फोर का फैक्टर कहलाएगा अब प्राइम फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड तो कर रहा हो लेकिन वो खुद प्राइम हो कंपोजिट ना हो कंपोजिट मतलब द नंबर विच मोर देन फैक्टर्स जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं और जिसके पास केवल दो होते हैं उसे हम प्राइम कहते हैं और जिसके पास दो से कम होते हैं वो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है ऐसा कौन सा नंबर है यस गुड इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट वन आपका ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है इसके अलावा सारे नंबर या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे तो हमें क्या करना है प्राइम फैक्टर पता करना तो है तो उसका फोर भी फैक्टर हो सकता है लेकिन वो उसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है कंपोजिट है तो बस यही हमें ध्यान रखना है जब हम फैक्टर पता कर रहे हो तो प्राइम होने चाहिए तो पहले हम यहाँ पर वन फोर्टी से शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट है आपका और मैंने केवल यही आपके लिए यहाँ पर किया है बाकी सारे आपको खुद से करने हैं तो ध्यान से समझना है कैसे करेंगे आप जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको हमें सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करना है क्या वो डिवाइड हो जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है टू तो टू से हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये डिवाइड हो जाएगा यस ये हो सकता है तो इसे हम टू से करेंगे इसके अलावा और आगे हम चेक ही नहीं करेंगे पहले हम सबसे छोटे से करेंगे फिर उसके बाद बड़े प्राइम नंबर से फिर उसके बाद बड़े प्राइम नंबर से यही तरीका है इसी को हमें फॉलो करना है ऐसा है नहीं कि फ़ाइव से भी हो जाएगा तो आप इसे पहले फाइव से ही कर दें अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी कोई ना कोई प्राइम फैक्टर छोड़ जाएंगे और वहाँ फंस जाएंगे तो सही तरीका यह है कि आप सबसे छोटे प्राइम नंबर को पकड़ें वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें आगे तक टेस्ट करते चले जाएं जिससे हो रहा उससे कर दें तो इसे हम टू से डिवाइड कर सकते हैं तो टू से डिवाइड करेंगे सेवनटी टाइम ही डिवाइड होगा क्या जो अब ये बचा ये फिर से टू से डिवाइड हो सकता है हो सकता है तो फिर से इसको टू से करेंगे थर्टी फाइव टाइम ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली अब जो ये नंबर है थर्टी फाइव ये टू से डिवाइड नहीं हो सकता है तो टू के बाद क्यों नहीं हो सकता है चूंकि ये क्या है ये ओड नंबर है और ओड नंबर टू से डिवाइड नहीं होते हैं इवन नंबर ही केवल हम टू से डिवाइड कर सकते हैं उसके बाद हमारा प्राइम नंबर आता है थ्री तो थ्री से हम कैसे चेक करते हैं जो नंबर हमें दिया गया जैसे थर्टी फाइव है इसको हमें चेक करना है थ्री से डिवाइड हो जाएगा या नहीं तो इसके जो डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे इसके अंदर दो डिजिट्स हैं एक थ्री है और एक फाइव है टू डिजिट आर देयर इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो थ्री प्लस फाइव मतलब आएगा. अगर ये जो आया एट ये थ्री से डिवाइड हो रहा है मतलब सम ऑफ द डिजिट अगर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा अदरवाइज नहीं होगा तो ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा उसके बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास आता है फाइव तो ये फाइव से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम सेवन टाइम्स और ये सेवन चूंकि प्राइम नंबर है ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम सेवन से ही डिवाइड करेंगे ये वन टाइम हमारा डिवाइड हो जाएगा और जब हमारा यहाँ नीचे वन आ जाए उसके बाद हम आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं यहीं पर हम अपनी प्रोसेस रोक देते हैं तो ये जो हमें यहाँ पर नंबर्स मिले ये हमारे इस वन फोर्टी के क्या कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे अगर आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वन हंड्रेड फोर्टी मिलेगा तो अब हमें सिंपल 140 को एक्सप्रेस कर देना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स तो ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स है और ये हमने क्या कर दिया इसको इसकी प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया और अभी चूंकि देखिए एक प्राइम नंबर ये जो प्राइम फैक्टर है एक ही है लेकिन दो बार आ रहा है तो बस हमें कहा यहां पर थोड़ा सा एक काम करना है जो नंबर आपका ये रिपीट हो रहा हो कोई भी अगर प्राइम फैक्टर आपका रिपीट हो रहा हो तो उसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने क्लास एट में पूरा चैप्टर था वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था यस याद आया आपको बेस और एक्सपोनेंट जितने टाइम कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता है वो क्या होता है एक्सपोनेंट और जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या होता है बेस होता है तो यहाँ पर टू हमारा टू टाइम रिपीट हो रहा है तो यहां पर टू की पावर टू इसको लिख देंगे और फाइव और सेवन चूंकि रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे तो अब केवल देखिए हमने यहाँ पर तीन प्राइम फैक्टर्स हमें इसमें मिले टू फाइव एंड सेवन और उनकी प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया तो सिमिलरली यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड आई होप यू कैन मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं क्या करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले आपको करना है फिर उसके बाद उसके बड़े प्राइम नंबर उसके बाद उसका बड़ा तो इसके लिए आपको वन से हंड्रेड तक प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए अगर नहीं है तो आप कर लें ये आपको आने ही चाहिए बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम होते हैं और हमें पता नहीं होता और हम ढूंढते रहते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा ये किससे डिवाइड होगा जबकि वो प्राइम है किसी से होगा ही नहीं तो बेकार में ही हम अपना टाइम आप वेस्ट करेंगे अगर हमें लर्न होंगे प्राइम नंबर्स तो हम वो टाइम बचा सकते हैं तो वो आपको होने चाहिए नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पर दैट इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हमें यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के इनका हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है देन हमें ये जो रिलेशन दिया गया है एच सी एफ मल्टीप्लाई एल्शियम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के जिन नंबर्स का आपने एच सी एफ और LCM निकाला उनकी अगर आप प्रोडक्ट करें और उनके एच सी एफ और LCM की प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल होती है ये रिलेशन होता है इसका हम यूज़ भी करेंगे आगे कब करेंगे वो जब नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी तब हम उस पर डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर हमें क्या करना है इसको वेरीफाई करना है जैसे हमने पोलिनोम चैप्टर में रिलेशन बिटवीन द दीरोज एंड द ऑफ अ पोलिनोम था एल्फा प्लस टू माइनस बी एपो ने होता है तो वैसे ही हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वेरीफाई करने से पहले हमें क्या करना है एस सी एफ और एल सी एम फाइंड करना है तो एस सी एफ और एल सी एम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम तो वी हैव सम मेथड्स इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं

प्राइम पता करेंगे सो so, किस से डिवाइड करेंगे इसको फाइव से हो सकता है इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, यस yes? नो no. सबसे पहले क्या करेंगे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे कर सकते हैं गलत नहीं होगा लेकिन मेरे हिसाब से सही भी नहीं होगा सो so, टू से हम इसको डिवाइड करेंगे टू से जब डिवाइड करेंगे तो हमें जो क्वार्टेंट मिलेगा आपका वो मिलेगा टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव करेंगे जिसके लास्ट में जीरो या फाइव आता है वो इजीली फाइव से डिवाइड हो जाता है लेकिन टू और फाइव के बीच में प्राइम नंबर और है हमारे पास थ्री तो हम उससे भी इसको डिवाइड करने का टेस्ट करेंगे उसके लिए हमें सम ऑफ द डिजिट पता करना है 5 प्लस 5 प्लस 2, मतलब 12 हो गया। और ट्वेल्व थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम पहले थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री एट जा टी फोर एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन अब ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा तो अब हम इसको फाइव से डिवाइड करेंगे टाइम जाएगा और सेवनटीन इज अ प्राइम नंबर सो इट कांट बी फर्दर डिवाइडेड ये और आगे हम इसको प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते इसको सेवनटीन से ही डिवाइड करना पड़ेगा और ये हमारे फाइव हंड्रेड टेन के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इनको हम यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद हम 92 के प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे 2 से डिवाइड होगा 46 सिक्स टाइम फिर 2 से हो सकता है 23 और 23 क्या है प्राइम नंबर है आगे डिवाइड हम नहीं कर सकते ट्वेंटी थ्री से ही करना पड़ेगा सो नाइनटी टू के फैक्टर्स क्या होंगे टू की पावर टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी जो अभी हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना सीखा था क्वेश्चन नंबर वन में उसका ही हमें यहां पर यूज करना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही फैक्टर्स को लिखना है अब हम और एसियलियम कैसे कैलकुलेट करेंगे बहुत ही आसान है सबसे पहले हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो जो भी आपका प्राइम फैक्टर दोनों में अवेलेबल है मतलब इसमें भी और इसमें भी वो सारे आपको यहां पर लिख लेने हैं तो केवल हमारे पास टू ही ऐसा प्राइम फैक्टर है जो दोनों में है बाकी कोई नहीं है तो हमने टू लिख लिया यहां पर इसके बाद क्या करना है जो ये टू चूंकि हमने दोनों में है इसीलिए लिखा है तो अब आपको चेक करना है कि दोनों में जो लीस्ट पावर है मतलब उसकी जो छोटी पावर होगी जैसे यहां पर टू की पावर क्या है वन नहीं है कुछ तो मतलब वन है और यहां क्या है हमारी टू की पावर टू है तो टू और वन में लिस्ट पावर क्या है हमारी वन तो हम यहां पर पावर लेंगे वन और वन को चूंकि हम लिखते नहीं है टू की पावर वन का मतलब टू ही होगा तो इसलिए यही हमारा क्या होगा एच सी एफ हो जाएगा और सपोज यहां पर टू की पावर थ्री होती और यहां होती टू की पावर टू तो फिर हम एस सी एफ में क्या लेते हैं टू की पावर टू चूंकि लीस्ट क्या हो जाती है अब टू हो जाती आगे एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे एल्शियम के लिए हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं दोनों में जितने भी इन्वॉल्व हुए हैं जैसे टू आया है उसके बाद थ्री है फाइव है सेवनटीन है ट्वेंटी थ्री है तो वो सब हमें यहाँ लिख लेने हैं कोई भी छूटना नहीं चाहिए जो दोनों में आया हो वो हमें यहाँ पर सारे लिख लेने हैं और जैसे हमने पहले कॉमन लिखा था और उसकी लीस्ट पावर लिखी थी इस बार हमने सारे लिखे हैं और हम क्या लिखेंगे हाइएस्ट पावर यहाँ लेंगे जैसे टू की पावर वन है यहाँ टू की पावर टू है तो इस टू की कौन सी पावर लेंगे हम जो इन दोनों में हाईएस्ट है तो क्या है टू तो टू की पावर टू आएगी हमारी और थ्री की पावर यहां क्या है वन है और यहां तो है ही नहीं तो थ्री की पावर वन ही रहेगी फाइव की पावर वन सेवनटीन की वन और ट्वेंटी थ्री की वन इन सब के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा टू थ्री फोर सिक्स जीरो अब हमारे पास क्या है एस भी है और एलसीएम भी है अब हमें क्या करना है इस रिलेशन को वेरीफाई करना है कोई भी रिलेशन अगर हमें वेरीफाई करना होता है तो उसमें हमें दो साइड होती है एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ ही हम आगे सॉल्व करते हुए नहीं चलेंगे पहले हम इस पार्ट की मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे अगर वो इक्वल आ जाती है तब हम कह देंगे कि ये रिलेशन वेरीफाई होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन के लिए हम एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम कैलकुलेट करेंगे एस सी एफ हमारा टू है और एल सी एम हमारा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी है दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी अब हमें ये किसके इक्वल दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकालेंगे वो क्या थे नंबर्स हमारे फाइव हंड्रेड टेन एंड नाइन्टी टू इनकी प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमें यही मिलेगा फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी अब देखिए दोनों चूंकि इक्वल हैं तो अब हम आसानी से कह सकते हैं तो तो ये रिलेशन हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह से हमें दिए गए नंबर्स के LCM और एलसीयम हम पता करेंगे और रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं यदि प्रॉब्लम में कहा गया है इसका यूज कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अब हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में पहले तो उससे हमें यहाँ पर एक अभी हमने पेयर के निकाले हैं एस सी एफ और एलसीयम अभी हमें यहां पर उससे पहले और प्रॉब्लम है हमें तीन नंबर्स यहां पर दिए गए हैं इन तीन का हमें और निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सो so, हाउ कैन बी जैसा हमने अभी किया था वैसा ही हम यहां पर करेंगे अब हमारे पास तीन नंबर है तो हम तीनों के प्राइम फैक्टर पता करेंगे इसके लिए मैं यहां पर आपके लिए सेकंड पार्ट कर रहा हूं अब आप देखेंगे तीनों ही क्या है प्राइम नंबर है तो हम इनके और फर्दर फैक्टर पता नहीं कर सकते केवल इसको इस तरह से ले सकते हैं वन मल्टीप्लाई सेवनटीन ट्वेंटी थ्री को वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी नाइन को वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी नाइन और आप इसको लिखे भी या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लिखना चाहें लिख सकते हैं अब इस केस में अगर कैलकुलेट हम हम करना है तब तो आप क्या करेंगे देखिए अगर हम वन नहीं लिखते यहाँ पर तो फिर हमें कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं मिलता तो अगर आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है जिनका आप एच कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका एच आपका होगा वन और अगर हम ऐसा देखें चूंकि वन हम सब में लिख सकते हैं तो वन यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर दिख भी रहा है तो इस तरह से भी हमारा एल्सियम क्या आएगा वन और एल्शियम के लिए हम क्या करेंगे वही जो फैक्टर्स हमारे तीनों में इन्वॉल्व हुए हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे तो सेवनटीन ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी नाइन और इनकी हाइएस्ट पावर जो इन्वॉल्व हुई है वो यही है वन 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 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा डबल वन डबल थ्री नाइन इस तरह से हम तीन चार पाँच जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उन सब का हम एसियप और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं पेयर है तब भी और अगर हमें पेयर से ज़्यादा दिए गए हैं तब भी हम उनका एसियप और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, इसका एक और पार्ट शायद मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है दैट इज थर्ड पार्ट बट यहाँ पर ये काउंटिंग नंबरिंग uh, गलत हो गई है सेकेंड है दैट इज थर्ड सो so, यहाँ पर नंबर्स हमारे पास एट नाइन एंड ट्वेंटी फाइव वही करना है हमने पहले में एट के फैक्टर करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो टू की पावर थ्री मिलेगा हमें नाइन के फैक्टर करेंगे तो मिलेगा हमें थ्री की पावर टू और ट्वेंटी फाइव के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव की पावर टू अब एच सी एफ जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में तो आपका एच सी एफ क्या होगा यस इट इज वन And LCM, जो हमारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं पहले हम वो लिख लेंगे टू थ्री फाइव और फिर उनकी हाईएस्ट पावर तो टू की हाईएस्ट पावर थ्री है तीनों में थ्री की टू है और फाइव की भी टू है फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट नाइन ट्वेंटी फाइव की मल्टीप्लाई ही हमें मिलेगी एंड द एल्सियम बी वन एट डबल जीरो नंबर वेरी इजिली ये आपने पहले भी किया था बस यहाँ पर थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और बाकी सब कुछ हमारा तो वैसा ही है अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरह से और आसान हमारे लिए हो जाता है हमें जो फैक्टर्स हैं वो ढूंढने भी नहीं पड़ते कि ये इसमें है या नहीं है क्योंकि एक फैक्टर हमारा एक ही जगह लिखा मिलेगा वो ज्यादा जगह नहीं रहेगा तो केवल हमें टू ढूंढना है तो हमें यहाँ पर एक ही जगह मिलेगा अगर और भी ज्यादा होते मान लें इसमें तीन चार आपके प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे होते टू थ्री फाइव सेवन तो वो सब सिंगल सिंगल होते आपको केवल एक ही जगह देखना है और वो आसानी से आप जो कॉमन है और जो सारे हैं उन्हें आप आसानी से ढूंढ सकते हैं सो so, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जिस पर हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपको एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इसका हम यूज कैसे करेंगे तो इसके लिए प्रॉब्लम आ गई है हमें दिया गया है कि एच सी एफ इन टू नंबर्स का है नाइन थ्री हंड्रेड सिक्स और सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सेवन का एस सी एफ कितना है नाइन है हमें इनका क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम आप सोच रहे होंगे तो वो तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से बट दैट विल बी अ लेंथी लेंथी प्रोसेस वो lengthy हो जाएगा हमारे पास जो रिलेशन है उसकी इस्तेमाल करने के बाद उसका इस्तेमाल करने के बाद हम इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं कैसे देखिए जो हमें दिया गया है पहले हम लिखेंगे एस सी एफ ऑफ दिस एंड दिस इज नाइन ये नाइन है और वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं हम एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के तो जो हमें एसियम दिया गया वो हम यहां लिखेंगे नाइन और एलसीएम चूंकि पता नहीं है वो हम एलसीएम ऐसे ही लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स नंबर्स तो हमें पता है ये दोनों है तो इन दोनों की हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे अब हमें एलसीएम पता करना है तो ये नाइन कहा जाएगा ये नाइन इसके डिवाइड में जाएगा चूंकि मल्टीप्लाई में है सो तो एल्सियमल टू थ्री हंड्रेड सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन नाइन अब इस नाइन से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं इसको भी डिवाइड कर सकते हैं जो हो जाए आसानी से आप इसको डिवाइड करेंगे जैसे कि मैंने 9 से 657 को किया तो ये 73 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो गया अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 22338 एंड दिस इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स सो दिस वे वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एचसीएफ और एलसीएम और एनी नंबर मान ले यहां पर आपको एलसीएम पता करना था तो आपने ऐसे किया एससीएफ करना होता तब आपको एल्सियम दिया गया होता आप एल्शियम की जगह रख देते आपको आपको मिल जाता कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एस और और दे, दे और एक नंबर नंबर दे 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 आपको दूसरा ना दे। तो वहां पर आप एसेव और दोनों दोनों होंगे एक नंबर होगा दूसरा नंबर नहीं होगा तो जो नंबर आपको दिया गया होगा उससे आप एस और एल्सियम को डिवाइड कर देंगे तो आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा इन चारों में से अगर आपको कोई से तीन पता है एक नहीं पता है तो आप उसे आसानी से पता कर सकते हैं सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इस रिलेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर दैट इज प्रॉब्लम नंबर चेक की पावर कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन हमें यहाँ पर दिखाना है क्या जो सिक्स की पावर एन है हम यहाँ पर एन की कोई भी वैल्यू रखें वन टू थ्री फोर फाइव अब टू सोन इन फाइव तो जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके यूनिट प्लेस पर जीरो आ जाए जैसे सिक्स की पावर अगर हमने यहां पर टू रखा तो क्या इसकी वैल्यू आएगी थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स के यूनिट प्लेस पर क्या आया हमारा 6, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहां जीरो आ सकता है तो यही हमें यहां पर चेक करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर जीरो आना है इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट जीरो मतलब कोई भी नंबर जीरो से एंड होना है तो इट शुड बी डिजेबल तो ये टेन से डिवाइड होना चाहिए कोई भी नंबर अगर ऐसा होगा जिसके यूनिट प्लेस पर जीरो होगा तो वो टेन से डिवाइड हो जाता है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो टेन के फैक्टर्स हैं टू और फाइव वो उन दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए यस क्योंकि टेन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है टू मल्टीप्लाई फाइव अगर कोई नंबर टेन से डिवाइड हो रहा होगा तो वो टू और फाइव दोनों से हो रहा होगा तभी तो वो टेन से होगा

हर एक नेचुरल नंबर की यूनिक होती है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस चीज़ की गारंटी देती है कि इसके अलावा इसकी और प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती इसके प्राइम फैक्टर्स में सिक्स के प्राइम फैक्टर में टू और थ्री हैं तो टू और थ्री ही रहेंगे कोई और प्राइम फैक्टर आ नहीं सकता कोई नहीं आ सकता तो ये फाइव से डिवाइड हो नहीं सकता इट मीन्स अब अगर ये फाइव से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये टेन से भी डिवाइड नहीं हो सकता टेन तो से डिवाइड नहीं होगा तो जीरो से एंड नहीं होगा हो गया हमारा काम तो वही हम लिख देंगे यहाँ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फाइव इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ की की पावर पावर फॉर एनी वैल्यू विल नॉट बी बाय मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि सिक्स की पावर एन एन की किसी भी वैल्यू के लिए फाइव से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एन की जो वैल्यू आएंगी वो तो ऊपर आएंगी प्राइम फैक्टर तो यहां पर कोई बढ़ेगा ही नहीं तो ये फाइव से डिवाइड होगा नहीं फाइव से डिवाइड नहीं होगा तो फिर टेन से भी नहीं होगा टेन से भी नहीं होगा तो जीरो से एंड नहीं होगा तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे Therefore, 6 की पावर एन कैन नॉट एंड विद द विदिजिट जीरो तरह से एक एग्जाम्पल भी है हमारा फोर की पावर एन तो उसको भी हम कर सकते हैं फोर की पावर एन के जब आप फैक्टर देखेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर तो टू तो मल्टीप्लाई टू मिलेंगे तो वहां पर भी फाइव प्रेजेंट नहीं होगा तो सिमिलरली हम उसको भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये हैं this this है ये है, ये है? अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम पर पर एक्सप्लेन दिस दिस एंड आर कंपोजिट हमें अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि नंबर हमारे प्राइम होते हैं कंपोजिट होते हैं तो तभी हमने बताया था कि कंपोजिट होते क्या है? तो क्या होते हैं कंपोजिट ये विच फैक्टर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं दो तो कौन से वो खुद और वन उसके अलावा कोई फैक्टर और है उसके पास तो वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है तो वही हमने यहाँ पर लिखा कि यदि किसी के पास वन या उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है तो यही हम यहाँ पर दिखाएंगे इनके पास वन और इनके अलावा और भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देख रहे हैं आप सेवन कॉमन तो ले सकते हैं तो हमें मल्टीप्लाईन और यहां से क्या बचेगा प्लस वन तो क्लियरली थर्टीन यहां पर हमें एज ए फैक्टर दिख रहा है और इसके साथ साथ और सिंपलीफाई करें तो सेवन एट भी हमें मिल रहा है और फर्दर हम 78 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं अभी उसकी हमें आवश्यकता नहीं है हमें तो केवल यह दिखाना था कि इसके पास वन और खुद के अलावा भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो इसके पास तो दो यहाँ पर एक एक से भी ज्यादा अवेलेबल है तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे दिस नंबर हैज फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट सेल्फ दे फोर इट इज अ कंपोजिट नंबर इसलिए क्या है ये कंपोजिट नंबर है ऐसे ही हम क्या करेंगे सेकेंड नंबर के लिए करेंगे उसमें हमें दोनों में क्या मिला दो टर्म है यहाँ पर एक ये और एक ये दोनों में क्या है हमारा फाइव कॉमन है फाइव कॉमन लेंगे और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा फाइव मल्टीप्लाईजेंड नाइन तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है इसके पास भी वन और इसके अलावा फैक्टर अवेलेबल है सो दिस ऑल्सो बी कंपोजिट नंबर तो ये भी क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं यदि वो कंपोजिट है तो उसको हम केवल क्या दिखाना है कि इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो फिर हम आसानी से लिख सकते हैं कि कंपोजिट है नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉब्लम आई थिंक ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पार्क है सोनिया 80 मिनट से लेती है उसका पूरा एक राउंड लगाने में जबकि रवि 12 मिनट से लेता है उसी ग्राउंड का राउंड लगाने में सपोज दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया एक ही पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में वो चले तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट तो कितने मिनट के बाद वो दोनों आप सेम पॉइंट पर वापस मिले लेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां पर वो दोनों वापस एक साथ कितने समय के बाद मिलेंगे तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है वो दोनों उस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे कब जब दोनों के जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है नंबर ऑफ राउंडस हैं वो कंप्लीट हो रहे होंगे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेगा जब उसके राउंड कंप्लीट हो रहे होंगे जैसे टू राउंड हो गए थ्री हो गए फोर हो गए फाइव हो गए तभी तो वहां पहुंचेगा तो ऐसे ही जब उनके नंबर ऑफ जो राउंडस हैं वो एक होल नंबर होंगे मतलब एक के पाँच हो गए होंगे एक के सात हो गए होंगे या किसी के दस हो गए होंगे दूसरे के बीस हो गए होंगे तब तो वो वहां पर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे सो so, हमें क्या करना है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दे मीट अगेन ऑन द सेम पॉइंट व्हेन द नंबर्स ऑफ राउंड्स विल बी होल नंबर्स इन ए स्पेसिफिक टाइम मतलब इसी ए पर्टिकुलर टाइम में जब उनके जो राउंड्स हैं वो होल नंबर हो जाएंगे मान ले एक के तीन राउंड पूरे हो रहे हैं और दूसरे के उसी समय चार राउंड पूरे हो जाएं तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे उस समय तो इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए छोटे से छोटा जो इनके दोनों के जो ये टाइम है इनसे डिवाइड हो जाए सो क्लियरली वी नीड अ स्मोलेस्ट नंबर विच इज एक्टली डिवाइजेबल 18 एंड 12 एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए उससे क्या फायदा होगा 18 और 12 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो उतने समय में इनके जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो रहे होंगे और चूंकि वो सबसे छोटा नंबर होगा तो उससे पहले कोई ऐसा टाइम आया नहीं होगा तो वही वह टाइम हो जाएगा जिसमें ये वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर मिलेंगे तो इट मींस जब भी हमें कोई ऐसा नंबर कैलकुलेट करना हो जो कि नहीं दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या करते हैं हम एलसीएम फाइंड करते हैं एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब उन दोनों का सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल है उससे पहले कोई भी उन दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं है सो so, नाउ इजिली वी कैन कैलकुलेट द एल्शियम ऑफ एटीन एंड ट्वेल्व द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एटीन विल बी टू 3 3 थ्री टू दावर 2 और 12 के क्या होंगे 2 की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री अब हमें एल्शियम कैलकुलेट करना है तो जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं टू और थ्री ही इन्वॉल्व हुए हैं तो हम वो लिखेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर तो टू की हाईएस्ट पावर टू है और थ्री की भी टू है फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो फोर मल्टीप्लाई नाइन इट मीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स छोटे से छोटा ऐसा नंबर होगा जो इन एटीन और ट्वेल्व दोनों से डिवाइड हो रहा होगा इससे पहले कोई नंबर ऐसा नहीं होगा और थर्टी सिक्स ही ऐसा टाइम होगा जिनमें इनके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे होंगे देखेंगे अगर हम ये चेक करना चाहें कितने हो रहे होंगे तो देखिए एटीन मिनट्स जो ले रहा है उसके कितने होंगे थर्टी सिक्स इसके टू राउंड कंप्लीट होंगे और इसके थ्री राउंड कंप्लीट होंगे तो जब इनके राउंड कंप्लीट हो रहे होंगे टू और थ्री तो ये कहाँ होंगे इनिशियल पोजिशन पर होंगे सो वी कैन से दैट रवि एंड सोनिया विल मीट टूगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर थर्टी सिक्स मिनट्स इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इसमें आपको थोड़ा अगर और जो क्वेश्चन है थोड़ा और इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो इस तरह से हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे सकता है कि इतने बजे उन्होंने स्टार्ट किया तो वापस दोबारा कितने बजे मिलेंगे तो ये जो टाइम अभी आपने निकाला ये आपको उनके स्टार्टिंग टाइम में ऐड करना होगा तब आपको उनका फाइनल टाइम वहां से मिलेगा और अगर कितनी देर के बाद मिलेंगे केवल ये है पूछा जा रहा है तब यही आपका आंसर होगा तो आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है प्रॉब्लम को सही से पढ़ लेना है कि क्या उनका ड्यूरेशन पूछी जा रही है या पर्टिकुलर हमें टाइम दिया गया है और फिर हमें आगे का टाइम पूछा जा रहा है तो होप ये सभी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी और अब आप आसानी आप से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं और यदि फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यू कैन लीव अ मैसेज टू मी और यू कैन मेक अ कॉल टू मी आल्सो हैव अ गुड डे अहेड उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल पर नए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें